हेलो गाइज, मेरा नाम सुमो, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पोको M4 प्रो के लिए यहाँ पे एक और न्यू अपडेट ऑल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और ये जो अपडेट है ना, अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है पोको M4 प्रो के लिए, क्योंकि इसकी साइज की बात को तो 2.8 GB इसका साइज आपको देखने को मिलता है। स्टेबल अपडेट है क्योंकि एक एंड्रॉइड 12 का अपडेट है। इसमें बहुत सारा आपको फीचर देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं, और सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस अपडेट में। क्या कुछ फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसकी वर्जन की बात को तो 13.0.1.0 इसका वर्जन देखने को मिलता है। ठीक है, तो सब कुछ बताता हूँ इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। और बता दो, जिनको ये अपडेट नहीं मिला तो 5-7 दिन का वेट कर लो। पोको वाले धीरे धीरे करके रोल आउट कर रहे हैं, तो आपको भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलना चाहूंगा, चैनल पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है। 200 लाइक करता हूं, ज्यादा रखता नहीं, अपडेट आए लाइक तो बनता है, तो आई होप आप इसे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अबाउट फोन। पोको M4 प्रो डिवाइस देखने को मिलता है, 13.0.1.0 पे अपडेट है। और एंड्रॉइड वर्जन की बात को तो यहाँ पे आपको 12 देखने को मिलता है। अभी इस पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिखा देता हूँ, एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच है ना, वो आपको 2022 आठवें महीने का देखने को मिलता है, मतलब अगस्त का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलता है। और मैं बता दूं यहाँ पे स्टोरेज पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो उसमें देखते हैं कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। इंटरफेस बिल्कुल सेम है, लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे दो कर दिए गए हैं। पहले एक ही हुआ करता था जिसे आप एक्सेस नहीं कर सकते थे। देखते हैं जो सेकंड वाला एडवाइस है, आप एक्सेस कर सकते हैं इस अपडेट के अंदर। और यहाँ पे आप देखते हैं मेमोरी एक्सटेंशन वाला, जैसे कि मैंने फीचर ऑफ कर रखा है तो यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, और सिस्टम लॉग यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, अदर यहाँ पे जीरो वगैरह दिखा रहा है। तो यहाँ से इसको क्लियर वगैरह करना चाहते तो कर सकते हैं। बस ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है कि किस हिसाब से आपका यहाँ पे यूज हो रहा है सिस्टम वगैरह, तो यहाँ पे आपको वो सब कुछ शो करता है। तो कुछ इस प्रकार का ये फीचर ऐड हुआ है। अब हम यहाँ पे चलते हैं बैक। हम यहाँ पे एंड्रॉइड 12 पे 7 से 8 बार टैब करते हैं तो देखते हैं कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है 12 का। जी हाँ, आपको 12 यहाँ पे करने के लिए इसको 12 पे पूरा लेके जाना पड़ेगा आपके वॉच को, फिर यहाँ पे आपको 12 का लोगो शो करने लगेगा। तो देखते कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। और जो नेक्स्ट फीचर की बात किया है तो वो आपको देखने मिलता है सेटिंग में। जैसे इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है सेफ्टी एंड इमरजेंसी का ऑप्शन। जी हाँ, पहले ऑप्शन नहीं था, पहले इमरजेंसी का था, लेकिन वो अंदर जाने के बाद था। लेकिन यहाँ पे देखते हैं सेफ्टी एंड इमरजेंसी का, आपको सेटिंग में जैसे जाएंगे वैसे आपको ऑप्शन देखने मिलता है। इसमें आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे 4 से 5 ऑप्शन आपको देखने मिल देंगे, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन, इमरजेंसी सोर्स, इमरजेंसी लोकेशन सर्विस, वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट। तो ये कुछ फीचर है जिन्हें आप यूज करना चाहते हो तो बेशक आप कर सकते हैं। बस ये इसके अंदर छोटा सा यहाँ पे चेंज किया गया है। नेक्स्ट चीज की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है मोबाइल की सेटिंग में। जी हाँ, वो आपको देखने मिलता है नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर। जी हाँ, फाइनली जिस चीज का आप वेट कर रहे थे ना, वो चीज यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे देखते हैं फाइनली वो चीज आ चुकी है जिस चीज का आप वेट कर रहे थे। देर से अपडेट है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल सेंटर आपको ऑफिशियली इस अपडेट के साथ देखने को मिलता जाता है। जी हाँ, देखते हैं कंट्रोल सेंटर स्टाइल पे देखते हैं, कुछ यहाँ पे नया लेआउट ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो एडिशनली कार्ड का ऑप्शन है ना, ये चीज भी इसके अंदर ऐड हो चुकी है इस अपडेट के अंदर। अब जैसे कंट्रोल सेंटर स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप न्यू कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भी वीडियो लेयर उसकी ऐड वगैरह कर दी गई है। देखते हैं कंट्रोल सेंटर स्टाइल का यहाँ पे न्यू वाला यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये क्या है, जिसको भी इंडिया में ये अपडेट दे रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन नहीं दे रहे। जैसे कि देखते काफी सारे डिवाइस है मेरे पास, यहाँ पे K50i है, तो यहाँ पे जो म्यूजिक कंट्रोलर है ना वो चाइना के लिए सिर्फ बनाया गया, शायद चाइना में ये एक्सेस देखने को मिलता है। यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल सेंटर नहीं दे रहे। तो फाइनली इस अपडेट के साथ आपको नए वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिल चुका है, जैसे कि बाकी सारे डिवाइसों में देखने को मिल रहा है। देखते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। देखते हैं यहाँ पे आप देखते हैं ब्राइटनेस कम ज्यादा कुछ इस टाइप में आप कर सकते हैं, तो ये कुछ आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि बाकी सारे फोनों में हो रहा है। और एक चीज और बात कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सेंटर स्टाइल के नीचे आपको एडिशनली कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड हुआ है, तो यहाँ पे इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखते कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है एडिशनली कार्ड का, जिसमें आपको मी स्मार्ट प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है, स्मार्ट होम का ऑप्शन देखने को मिलता है। ईस्टर एग वाले फीचर को आप एंड्रॉइड 12 पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ईस्टर एग वाले फीचर को भी यहाँ पे एक्टिवेट वगैरह कर सकते हैं। और नेक्स्ट चेंज की बात किया तो वो आपको देखने को मिलता है कैमरा के अंदर। जी हाँ, कैमरा को एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं डॉट वगैरह आपको देखने को मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्विक जूम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको क्विक जूम करना है तो कुछ इस टाइप में आप कर सकते थे। पहले क्या होता था, यहाँ पे स्लाइड करते थे तो यहाँ पे आपको नंबरिंग पे प्रेस करना पड़ता था और नीचे की ओर क्लिक करके आपको करना पड़ता, लेकिन अब देखते इसी प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखते डॉक्यूमेंट का ऑप्शन यहीं पर ऐड आपको देखने को मिलता है, मोर सेक्शन में भी जाने की जरूरत नहीं, यहीं से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। और इस चीज में भी एक चीज ऐड हो चुकी है जो कि है प्राइवेसी का ऑप्शन। प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं मैंने शुभम वाटरमार्क लगा रखा है, बाकी एडिट वाटरमार्क में आप चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आपका नाम है या कुछ भी कंपनी नेम लगाना है तो यहाँ पे वाटरमार्क लगा सकते हैं। और उस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं उसके साथ उस वाटरमार्क के साथ वो आपकी फोटो क्लिक होने वाली है या डॉक्यूमेंट आपकी क्रिएट होने वाली है। और ये चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप
इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे एडिट वाले सेक्शन पे जाते हैं। जी हाँ, एडिट वाले सेक्शन पे नहीं और यहाँ पे इसके थ्री डॉट पे जाते हैं तो यहाँ पे मिलेगा वाटरमार्क ऑप्शन। तो यहाँ से भी अगर आपने कोई फोटो क्लिक कर लिए नॉर्मल फोटो तो उस पर भी आप वाटरमार्क लगा सकते हैं। जी हाँ, जो भी आपको वाटरमार्क लगाना है वो इस प्रकार से आप इस वाटरमार्क में इस प्रकार से लगा सकते हैं। और यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो सारी जगह वहाँ पे थोड़ी थोड़ी गैप करके वो वाटरमार्क आपका लगा होगा। और नेक्स्ट चीज की बात करूं तो वो आपको देखने को मिलता है इसका गेम टर्बो। जी हाँ, जैसे मैं सिक्योरिटी एप्लीकेशन में आ जाता हूं, गेम टर्बो को ओपन करता हूं तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस ऑफिशियली इस अपडेट के साथ देखने को मिल जाता है। देखते हैं नए लेआउट के साथ कुछ इस टाइप में टक टक की आवाज़ भी आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे गेम वगैरह को स्टार्ट वगैरह कर लेते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं नए वाला गेम टर्बो आपको देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे हो चुका है भाई साहब ओपन और इसको हम यहाँ पे स्लाइड वगैरह कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे आप देखते हैं बूस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बूस्ट परफॉर्मेंस का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। इसे ऑन करके कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, यहाँ से कुछ एक्सेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई हैं, मतलब नया वाला गेम टर्बो आपको देखने को मिल चुका है इस अपडेट के साथ, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि आप यूज़ कर लेना काफ़ी अच्छा है। अब नेक्स्ट चीज की बात किया तो वो आपको स्पेशल फीचर के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे नीचे की स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे साइड बार वाला फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखते हैं कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है साइड बार वाला फीचर। ऑलवेज शो का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। वैसे ये देखते हैं रेडमी नोट 10 प्रो और काफी सारे डिवाइसों में MIUI 13 के साथ ये फीचर वगैरह दिया जा रहा है, तो कुछ इसी टाइप में ये देखने को मिलता है। उसी टाइप का देखते हैं कुछ इस प्रकार का साइड बार वाला फीचर है। यहाँ पे काफी सारे ऐप आप क्विक एक्सेस वगैरह कर सकते हैं, प्लस वाले सेक्शन पे जाके जो भी आपके रेगुलर ऐप यूज होते हैं ना उसको यहाँ पे ऐड वगैरह आप कर सकते हैं, ऐड वगैरह करके यहाँ पे इसको फ्लोटिंग विंडो में यूज कर सकते हैं। जैसे तो कुछ इस टाइप में ये देखने को मिलता है, जैसे आप यूज करना है तो कर सकते हैं। जैसे कि BGM आपको फ्लोटिंग विंडो में यूज करना है छोटी सी विंडो में, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली उसको आप ट्राई वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज इसके अंदर ऐड वगैरह हुई है जो कि आप चेकआउट कर लेना। अगले चीज की बात करो तो वो आपको देखने को मिलता है ब्लूटूथ के अंदर। ब्लूटूथ ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो डिवाइस आपने कनेक्ट किया तो वो तो आपको शो करता है, लेकिन यहाँ पे तो कई कई डिवाइसों में ना पोको M4 Pro के अंदर ब्लूटूथ का एक अपडेट शो हो रहा है, सिस्टम में अपडेटर में नहीं शो हो रहा, इसके ऊपर ही शो कर रहा है। हो सकता है आपने पहले ही अपडेट कर लिया हो और कई लोगों को इस अपडेट के बाद यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे अपडेट वगैरह कर लेना 7 से 8 MB का एप्लीकेशन है, अगर नहीं आया तो शायद तक आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिक वो अपडेट वगैरह हो चुका होगा। और नेक्स्ट चीज भी आपको एक सेटिंग में देखने मिलती है। जी सेटिंग के अंदर नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्राइवेसी का ऑप्शन। प्राइवेसी का ऑप्शन पहले भी था लेकिन इसके अंदर थोड़ा चेंज किया। जैसे इस पर क्लिक करते हैं नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको प्राइवेसी डैशबोर्ड का एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जी हाँ, देखते प्राइवेसी डैशबोर्ड का, पहले ये सारे फीचर थे लेकिन यहाँ पे प्राइवेसी डैशबोर्ड एक नया फीचर यहाँ पे ऐड किया गया। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है प्राइवेसी डैशबोर्ड का ऑप्शन। अब ये चीज तो क्या चीज आपको इंटीग्रेट करती है, आपको बताती है कि एक लोकेशन सर्विस कितने टाइम पे किस ऐप ने यूज की है, कितना टाइम उस पर टाइम स्पेंड हुआ है, कितनी देर तक उसकी परमिशन उस ऐप ने ली है, वो सारा डाटा यहाँ पे रखता है। लोकेशन माइक्रोम सब कुछ आपका डाटा चेक करते हैं। जैसे कि मैं लोकेशन वाले पे क्लिक कर लेता हूं, यहां पे देखते हैं आपको दिखा रहा है कि देखते हैं 3:43 पे आपने मी शेयर को ओपन किया है, जो कि यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दिखाता है। कई बार यहाँ पे देखिए 2 मिनट यहाँ पे स्पेंड किया, तो ये आपको टाइम बताएगा कौन सी ऐप कितने टाइम पे कैमरा का परमिशन ले रही है, कितने टाइम पे, सब कुछ ये आपका डाटा रखता है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है, जैसे डिजिटल वेलबिंग में होता है ना उसी प्रकार से यहाँ पे चीज भी आपको ये चीज देखने को मिल रही है। और कुछ बात करो तो इसमें आपको कुछ नहीं देखने को मिलता, सिंपली वैसे के वैसे ही आपको देखने को मिलता है जैसे कि आपको पहले देखने को मिलता था पोको लॉन्चर में। कोई भी चीज आपको अपडेट वगैरह नहीं देखने को मिलती, वैसे ही आप देखते कैटेगरी सेट कर सकते, 3 फिंगर से हाइड ऐप वगैरह कर सकते थे, तो आपको नॉर्मली वैसे ही देखने को मिलता है जैसे देखने को मिलता है। वैसे आप इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं पोको लॉन्चर 4.0 को, जो कि एक बीटा के अंदर रिलीज हुआ है लेकिन अभी स्टेबल के अंदर वो नहीं है। अब एक चीज की बात करूं जो कि इसके अंदर हाइड फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। जी हां, जो कि पोको ने हाइड करके रखे हैं, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से एक्टिविटी लॉन्चर को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहां पे मतलब पोको ने काफी सारे फीचर हाइड वगैरह करके रखे हैं, वो सब कुछ आपको मैं बताता हूं। बस वीडियो को एंड तक देखते रहना, वीडियो में वैल्यू लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करो यार, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब भी कर लो इस प्रकार के कंटेंट देखने के लिए। तो जैसे ही आपका ये ओपन हो जाए तो यहां पे आपको सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां पे लिखना HEART, तो यहां पे हार्ट रेट आप सर्च करेंगे तो यहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखते हैं हार्ट रेट वाला। अब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखते हैं मेजर हार्ट रेट वाला फीचर यहां पे आ चुका है। जी हां, जो कि आपको हाइड वगैरह देखने को मिलता है। इस पे स्टार्ट वगैरह पे क्लिक करेंगे तो आपको कैमरा एप्लीकेशन को पूरा कवर करके रखना पड़ेगा, उसके बाद ये मेजर करना स्टार्ट कर देगा, मतलब देखते हैं हार्ट रेट कितना आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर आपका हाथ स्टेबल नहीं होगा तो वापस से स्टार्ट हो जाएगा 0% से, तो आपको हाथ बिल्कुल स्टेबल रखना है। आप देखते हैं मैं वीडियो में रख पाता हूं कि नहीं रख पाता, बाकी ये किसी का भी टेस्ट वगैरह करके दिखा देता है, लेकिन यहां पे इसने पोको ने हाइड करके रखा हो तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, ये चीज आपको देखने मिलती है। इसने मेजर करके बता दिया और ये देखते हैं व्यू रिपोर्ट पर करेंगे तो यहां पे देखते हैं बता दिया 88 देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस टाइप में ये फीचर आपको देखने को मिलता है, जो कि हाइड आपको देखने मिलता है हार्ट रेट वाला फीचर। आपको बार बार एक्टिविटी लॉन्चर में नहीं जाता, डायरेक्ट इसको एक्सेस करना है, तो बस एक बार आपको इंस्टॉल वगैरह करके क्या करना पड़ेगा, इसका शॉर्टकट आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट कर लीजिए, होम स्क्रीन पे शॉर्टकट क्रिएट हो जाए, अगर फिर भी ना होते प्रेस एंड होल्ड कीजिए, सेटिंग में जाइए,
जाइए और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अदर परमिशन में जाके ना इस होम स्क्रीन शॉर्टकट को आपको ऑलवेज अलो कर देना है, तब आपके फोन के अंदर यहाँ पे ये आपका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग में चीजें देखने को मिल रही है इस अपडेट के बाद, तो कुछ इस टाइप से चीजें आपकी चेंज हुई है। आपको इसके अंदर हाइड आपको देखने को मिलती है, जी हाँ, सिंपली आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ईयरफोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब ईयरफोन के अंदर यहाँ पे कस्टम इफेक्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अब जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ देखते हैं गोइट पर क्लिक करेंगे तो कस्टम इफेक्ट स्किप करके साउंड इफेक्ट में चला जाता है, लेकिन आपको कस्टम इफेक्ट को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई यहाँ पे ईयरफोन अटैच करना पड़ेगा, वायरलेस वाला कर सकते हो या आप वायर वाला भी कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास ये वायर वाला है, वायर वाले पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे देख लीजिए आपके फोन में कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे कस्टम इफेक्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं, कस्टम इफेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इसमें पर्सनलाइजेशन साउंड आप क्रिएट वगैरह कर सकते हैं, इसमें हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं नाइट वाला आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे ये वाला देखने को मिलता है, जो भी आपको क्रिएट करना है जिस हिसाब से वो आप यहाँ पे क्रिएट वगैरह कर सकते हैं। ईयरफोन आप लगा कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा साउंड किस प्रकार से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देखते हैं साउंड को यहाँ पे सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, यहाँ पे ए वाला को पसंद आ रहा है या बी वाला पसंद आ रहा है, तो वहाँ पे आप जो मर्जी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पे देखते हैं पर्सनलाइजेशन साउंड क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे फिनिश करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं फाइनल आउटपुट आपको दे देगा और यहाँ पे ये क्रिएट वगैरह हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ऐड वगैरह करना चाहते हैं तो ऐड वगैरह आप कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको देखने को मिलती है, जैसे आप यूज करना चाहते तो कर सकते हैं, जो कि हाइड वगैरह करके रखा हुआ पता नहीं लगता यार कहाँ पे देखने को। यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं जो कि वॉल्यूम एडजस्टमेंट का ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करके अपने एज के हिसाब से यहाँ पे इसको साउंड वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने मिलता है करंट ईयरफोन, तो ये चीज़ हमारी अटैच हो चुकी है तो उसने डिटेक्ट कर लिया, तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी मोटी आपको चेंज देखने को मिलती है। की बात को तो इस अपडेट के अंदर वो आपको देखने मिलता है एडिशनल सेटिंग के अंदर, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कहाँ गया एजबिलिटी का ऑप्शन, एजबिलिटी में जाएंगे तो यहाँ पे एजबिलिटी मेन्यू का ऑप्शन देखने मिलता है, यहाँ पे क्रिएट वगैरह करके यहाँ पे देखते हैं कुछ इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाऊँ, यहाँ पे नए नए लेआउट आपको देखने मिलते हैं, सबसे पहले टॉक बैक का लेआउट यहाँ पे चेंज कर दिया गया, यहाँ पे एक इमेज ऐड कर दी गई है और यहाँ पे देखते हैं सेलेक्ट, तो यहाँ पे भी देखते हैं ये चीज़ नहीं ऐड हो चुकी है, लेआउट यहाँ पे ऐड किए गए, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ मैग्निफिकेशन में जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको देखते हैं एक वीडियो लेयर ऐड कर दी गई है, हालांकि फीचर वही है लेकिन यहाँ पे देखते हैं लेआउट में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं जो कि आप चेक कर लेना। यहाँ पे देखते हैं कलर वाला लेआउट भी पूरा पूरा कलरफुल कर दिया गया है। और भी कुछ हम बात करें इस अपडेट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे और भी देख लेते हैं कुछ लेआउट चेंज हुआ है कि नहीं, स्विच एक्सेस में जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे नए वाला लेआउट वगैरह आपका ऐड हो चुका है इसके अंदर, और यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी लेआउट आपको चेंज देखने को मिलता है। तो काफी सारे यहाँ पे लेआउट में चेंजेस किए गए एजबिलिटी के अंदर जिन्हें आप यूज करना चाहते हो। नेक्स्ट चीज की बात की तो वो आपको देखने मिलेगा थीम के अंदर, जैसे मैं थीम के अंदर जाता हूँ प्रोफाइल के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे थीम एप्लीकेशन का लेआउट वगैरह आपको पूरा पूरा चेंज देखने को मिलता है, कुछ इस टाइप में देखने मिलता है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और अगले चेंज की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है वेदर के अंदर। अब वेदर मैंने पहले ऑलरेडी ओपन किया था, शायद तक इस मोबाइल के अंदर मैंने ओपन नहीं किया होगा आई थिंक, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जैसे कि फर्स्ट टाइम हम करते हैं तो इसमें आप करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इस प्रकार से ये चीज आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एंड्रॉइड वाले का अपडेट है ना, लोकेशन आपसे पूछता है भाई किस टाइप से रखनी है, किस प्रकार का आना चाहिए, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिलता है ना, काफी इंटरेस्टिंग चीज। जैसे कि हम कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगा। और कोई भी परमिशन वगैरह लेती है ना तो यहाँ पे रेड यहाँ पे डॉट आपको देखने को मिलेगा, किसी किसी एप्लीकेशन में कैमरा में हो सकता है या किसी में दे सकता है, और उस डॉट पर क्लिक करके उस परमिशन को ऑन ऑफ भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज छोटी मोटी चीजें इसके अंदर ऐड हुई है जो कि आप चेक। नेक्स्ट चीज की बात किया तो वो आपको देखने मिलेगा नोट्स एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि हम प्लस वाले साइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट माइंड मैप का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इसमें क्रिएट माइंड मैप भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं SHUBHM शुभम लिख देते हैं, प्लस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे दो करने हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप मैच वगैरह देखते हैं ना उसमें आपको कुछ देखने को मिलता है, इसी प्रकार से कुछ क्रिएट माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपका यूजफुल हो सकता है किसी वर्क वगैरह में, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलती, यहीं से आप इसको क्रिएट वगैरह कर सकते हैं ना, काफी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं, मूव का इसको इमेज के रूप में आपको क्रिएट करना है तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो यही कुछ इस अपडेट के अंदर देखने को मिलता है 13.0.1.0 के अंदर, स्टेबल अपडेट है, 2.8 GB का साइज देखने मिलता है, काफी बड़ा अपडेट है और काफी सारे फीचर आपको देखने मिलते हैं, वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और भी कुछ फीचर मिलते हैं तो एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, आई होप आज वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टैग करेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम।